herpetic eruptions और copious dandruff. dandruff का क्या इलाज है? head and shoulders? ब्रायन जी, हाँ ग्रेफाइट्स भी ठीक है. इसमें जो बालों की अलामत है वो नेक्स्ट नोज से मिलती है और दोनों का ताल्लुक इससे सुजा की बीमारियों से भी है. नेक्रोमोर में बाल खुश्क और फटे फटे, जिससे उनके अंदर बाल का किनारे वाकई फट भी जाते हैं. और इसमें भी बालों की यही अलामतें हैं, ड्राई एंड क्रिस्प और कोपियस डैंड्रफ, कसरत से डैंड्रफ हो तो उसमें मेलोराइनम को भूलना नहीं चाहिए. उससे कई दफ़ा अकेले मेलोराइनम से भी ये फायदा हो जाता है. एक इसकी अलामत है जो इत्तफाकी हादसे के तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकिलन ऐसे मरीजों में मिलती है, यानी मामूली से भी तनाव, जहनी तनाव से आँखों के सामने चीज़ें थिरकने लग जाती हैं और विजन ठीक नहीं रहता. और उसके अलावा ब्लर हो जाता है विजन, फिर ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स फील्ड में नजर आने शुरू हो जाते हैं, बार दफ़ा डिप्लोपिया हो जाता है. तो ये वो इलामतें हैं जो क्रॉनिसिटी के तौर पर अगर मिलें, यानी मुजमन इलामतों के तौर पर मिलें तो ये बहुत अच्छी दवाई है. मेडोराइनम ठीक है. इसके अलावा इमेजिनरी चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो होती नहीं हैं और आंखों में पीछे तनाव और मसल्स भी थके हुए. सुबह के वक्त बहुत सी दवाओं में लिखा हुआ है कि लिड्स जुड़ जाते हैं आपस में. हर किस्म की ऐसी बीमारी में जिसमें आंख में सोजिश पैदा हो, ये कद तभी बात है, तो कोई ऐसी इलामत नहीं है जिसे आप नुमाया तौर पर याद रखें. बहुत सी दवाओं में मिलती है लेकिन आई लैशेज फॉल आउट ये हर दवा में नहीं मिलती. आंखों की बीमारियां बाद लोगों को होती हैं लेकिन आंखों की पलकें नहीं झड़ती. अगर आंखों की बीमारी के साथ पलकें झड़ने लगें तो फिर ये दवा मुफीद है. आंखों के नीचे स्वेलिंग किस दवा की अलामत है खासतौर पर? एपिस. इसमें भी है आंखों के नीचे स्वेलिंग, लेकिन इसकी स्वेलिंग और एपिस की स्वेलिंग में एक फर्क है. एपिस की स्वेलिंग बैगी या नीचे होकर लटकती है और इसकी स्वेलिंग आम स्वेलिंग की तरह होती है. एपिस की स्वेलिंग टिपिकल है, वो जिस तरह बैग बन जाए ना हवा या पानी भर के तो थोड़ा सा बैग लटक जाता है यहाँ, वो एपिस की स्वेलिंग है. और ये आम वर्म हो यहाँ उसके लिए ये दवाई बेहतर है.